ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਘੋੜੇ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਦੇਨ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪੰਛੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਗਰਮੱਛ ਵੀ ਡਰਦਾ ਹੈ? ਅਜਿਹੀ ਰੌਚਕ ਤੱਥ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਜਸਪੀ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀਵਨ ਟੀਵੀ। एक अजिहा आदमी भी है जिहड़ा हर किसी के उपर केस कर दिंदा है। इस आदमी ने अज तक 20,000 तो भी ज्यादा केस फाइल किए हुए ने, इसलिए इसका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड ने अपनी बुक के विच भी दर्ज किया है। पर इस आदमी ने गिनीज बुक के उपर भी केस दर्ज करवा दिता उसका नाम वरतन लई। इस केस के लिए गिनीज बुक नूं इसनूं करोड़ों रुपए देने पे। की तुहानू पता है कि तुहाडे चेहरे दे 1.5 करोड़ मिल सकते हैं, वह भी तुहानू बिना कुछ किए? यूएसए की एक रोबोट मैनुफैक्चरिंग कंपनी है जिहड़ी कि रोबोट के उपर तुहाडा चेहरा लगाउण लई तुहानू 1.5 करोड़ देवेगी, ते ये डील लाइफ टाइम के लिए होगी। ते नाल ही जेकर तुसीं उहनां नूं अपनी आवाज भी दिंदे हो तां तुहानू होर भी पैसे दित्ते जाणगे। ये रोबोट होटल दे विच एयरपोर्ट ते रिसेप्शन के उपर वरते जाणगे। अजकल लोग चैट दे विच ओके नूं के ते हां नूं हम लिखते हैं, सानू अजिहा करना गलत भी नहीं लगता, पर जेकर तुसी अजिहा टाइप करके किसी नूं मैसेज भेजते हो तो सामने वाले नूं यह जरूर लगता है कि तुसी उस दे विच इंटरस्ट नहीं लै रहे। इसलिए तुसी कदे भी जेकर किसी नाल फर्स्ट टाइम चैट के उपर गल करो तो कदे भी उसनूं ओके की जगह के ते हां की जगह हम लिख के ना भेजो, क्योंकि अजिहा करन दे नाल तुहाडा फर्स्ट इंप्रैशन बिगड़ जाएगा। यह एक थोड़ा फनी फैक्ट है कि क्रिकेट के गार्ड को 1874 के बनाया गया सी, मतलब कि क्रिकेट के स्टार्ट होंदे ही। क्रिकेट के पहली बार हेलमेट 1973 के वरत्या गया, मतलब कि लोगों ने 100 साल लग गए यह गल समझण दे लई कि दिमाग भी एक जरूरी चीज है। जेकर तुसी किसी जॉब इंटरव्यू दे विच जाने हो तां उत्थे तुहानू पानी ऑफर किया जाता है, तो तुहानू वो पानी लै लेना चाहिए है। इसका फायदा यह होगा कि सामने वाला जेकर तुहाडे तों कोई औखा प्रश्न पुछता है तो तुसी पानी की एक सिप लैके कुछ सोच के आंसर दे सकते हो। इस दे नाल तुहाडी पर्सनैलिटी भी वधिया दिखेगी। जापान के एक जीन कंपनी है जिड़ी कि अपनी जीन का डिजाइन शेरां ते भालुआं तों तैयार करवाउंदी है। पहला एक नॉर्मल जीन्स नूं बनाया जाता है, तो फिर उसनूं जानवरों के पिंजरे में सुट दिता जाता है, तो जानवर जदों इसकी चीर फाड़ करते हैं तो इसका डिजाइन तैयार हो जाता है। यह जीन्स का रेट आम जीन के नालों काफ़ी ज़्यादा महंगा भी होंदा है। जेकर कोई तुहाडे सामने हैडफोन लगा के बैठा है उसके नाल गल करन दे विच तुहाडा टाइम ही वेस्ट होगा, क्योंकि जेकर तुसी उसके नाल कोई गल करोगे तो वह तुहानू यह दिखाएगा कि वह तुहाडी गल नूं सुन रहा है, पर असल दे विच वह तुहाडी कोई भी गल नहीं सुन रहा होगा। इसलिए जो हैडफोन लगा के तुहाडी गल सुन रहा है वह तुहाडा टाइम ही वेस्ट कर रहा है। घोड़ा बहुत ही तेज भजन वाला जानवर है, ये होवे भी क्यों ना। ये देखो हुण तुसी घोड़े दे फेफड़िया का साइज, जदों घोड़े दे फेफड़े पूरे फुल जांदे ने तां इन्हां दा साइज एक इंसान जिन्ना हो जाता है। जदों घोड़ा फुल स्पीड दे उपर भज रहा हुंदा है तां उसदे फेफड़े इन्ने फुल जांदे हन। तुहानू इस गल दे उपर यकीन नहीं होगा कि ओसामा बिन लदेन नूं लभण दे लई जिन्ना टाइम ते पैसा लग्या सी, उन्ना ही टाइम ते पैसा अमेरिका दा लोकां नूं चंद उपर भेजण ते लग्या सी। अमरीका नूं चंद दे उपर जाण लई 10 सालां दी मेहनत ते $10 बिलियन दा खर्चा आया सी, ते ओसामा बिन लदेन नूं लभण दे लई भी अमेरिका दा इन्ना ही टाइम ते इन्ना ही पैसा लग्या सी। सारे जानवर मगरमच्छ तो डरते हैं, पर यह इकला पंछी नहीं, यह पंछी मगरमच्छ के दंदा के फसे खाने को खाता है। मगरमच्छ सारे जानवरों के पंछियों के उपर हमला करते हैं सिर्फ इस पंछी को छड़ के, क्योंकि इस पंछी और मगरमच्छ के विचकार एक रिलेशनशिप बनिया हुआ है। इस पंछी के अजिहा करन दे नाल मगरमच्छ के दंद साफ हो जाते हैं, इस पंछी को खाना मिल जाता है। इस विच इन्हां दोनों का ही फायदा है। जेकर तुसी बेल्जियम दे विच ट्रैफिक दे विच फस जांदे हो तां तुसी 4,000 रुपया दे के ट्रैफिक दे विचों निकल सकते हो। तुहानू एक बाइक वाला लैण आवेगा ते तुहानू तुहाडी लोकेशन दे उपर पहुंचा देवेगा, ते एक आदमी तुहाडी कार नूं ट्रैफिक दे विचों कढ के जिथे तुसी चाहुंदे हो उस लोकेशन ते पहुंचा देवेगा। इस नाल तुहाडी कार भी सेफ रहेगी ते तुसी भी अपने काम ते बिना लेट होए पहुंच सकते हो। एक आदमी ने अपनी प्रॉपर्टी के 20 मीटर एरिया घट कर दिता, क्योंकि जिहड़ी उसके एरिए मस्जिद से उस तक लोगों को पहुंचने के लिए एक बड़ा राउंड लगा के आना पैंदा सी, पर उस आदमी के घर के इस मस्जिद तक पहुंचने लिए सीधा शॉर्टकट से। इसलिए उस आदमी ने अपने घर का 20 मीटर का एरिया छड़ दिता ते उत्थे रोड बना दिती ताकि लोग मस्जिद तक जल्दी और आसानी नाल पहुंच सकन। तुसी देखिया ही होना है कि कई लोग अपने घर के शार्क नूं पालते हैं, पर की तुसी कदे नोट किया है कि फिश टैंक वाली शार्क हमेशा छोटी क्यों होंदी है? असल दे विच शार्क का यह सुभाव है कि वह अपने आले दुआले के इनवायरमेंट तो ज़्यादा बड़ी नहीं होंदी। फिश टैंक वाली शार्क 8 इंच तक ही वध सकती है, उही शार्क नूं जेकर तुसी कढ के समुद्र दे विच ले जाओगे तो वह 8 फुट तक लंबी हो जाएगी। इत्थे यह गल बहुत चंगी तरह नाल ढुकदी है कि जेकर असीं भी छोटी सोच वाले लोगों के नाल रहांगे तो असीं भी कदे बड़े नहीं हो सकते। तुसी इस कमाल की फोटो नूं देखो, तुसी इस दे विच इको टाइम ते 4 ट्रांसपोर्ट नूं देख सकते हो। यह है जी एयर ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, ट्रेन ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट। इस फोटो नूं खिंचण दे लई फोटोग्राफर नूं काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पई सी, चीज़ां नूं परफेक्ट फ्रेम दे विच लियाउण दे लई उसनूं कई महीने लग गए।
फ्रूटी नूं तुसीं हमेशा स्ट्रॉ दे नाल पीता होवेगा। हुण असीं इक तुहानूं नवां तरीका दसदे हां फ्रूटी नूं खाण दा। तुसीं आइसक्रीम दी इक स्टैक लो ते उसनूं फ्रूटी दे विच पा दो ते फ्रूटी नूं फ्रीज होण दे लई रख दवो। इस तों बाद तुहानूं मिलेगी इक मैंगो कैंडी। ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪੁਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 27 ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਥਲੀਟ ਹੇਮਾ ਦਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਨੂੰ ਬੂਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡੀਡਾਸ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਐਡੀਡਾਸ ਆਪਣੇ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੇਮਾ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲੋਗੋ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੇਮਾ ਦਾਸ ਦੇ ਲਿਮਿਟਡ ਸ਼ੂ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਸਿਮ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਮ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਸਵਰਡ ਹੈ। ਸਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਮ ਦੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਅਨਲੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਰੋਚਕ ਤੱਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ।